फिरोजाबाद में दिखा बंदरों का आतंक। कई क्षेत्रों में मचा जनता में हड़कंप। इस सब के लिए कौन है जिम्मेदार? और नगर निगम कितना है तैयार? इस वीडियो में दिखाएंगे पूरी खबर। बने रहिए हमारे साथ, मत हटाइएगा नजर। दरअसल बीते कुछ दिनों से फिरोजाबाद में बंदरों के आतंक से लोग डरे हुए हैं। किसी किसी वार्ड में तो बंदरों ने लोगों का घर से निकलना भी दुश्वार कर दिया है। कल बंदरों के कारण फिरोजाबाद में एक कारोबारी की छत से गिरकर हुई मौत का भी मामला सामने आया है। बंदरों के इस आतंक को देखते हुए आज फिरोजाबाद नगर निगम की मेयर नूतन राठौर और नगर आयुक्त घनश्याम मीणा के साथ फिरोजाबाद वन विभाग के आला अधिकारी सहित बंदरों को रेस्क्यू करने के लिए मथुरा से टीम को बुलाया गया और फिरोजाबाद के अग्रसेन इंटर कॉलेज के मैदान में बंदरों को रेस्क्यू करने का काम किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से बंदरों का आतंक जो है वो फिरोजाबाद में देखा जा रहा है। नगर निगम पिछले कई दिनों से प्रयास भी कर रहा है बंदरों को रोकने के लिए। आज हम जहां पर हैं महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में हैं और यहां पर जाल बनाया गया है बंदरों को पकड़ने के लिए। जो प्रयास चल रहे थे उनमें आज जो गति है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, वहां पर मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो वहां दिखाएं कि जहां पर जाल बनाया गया हुआ है और वो जो जाल है वहां पर चने और केले जो बंदरों का प्रिय भोजन है वो वहां पर डाला गया है उस जाल के अंदर। और इस तरीके से धीरे धीरे करके ये जो बंदर हैं वो पकड़े जाएंगे। जो रेस्क्यू टीम है वो काफ़ी प्रयास कर रही है। रेस्क्यू टीम नगर निगम द्वारा आज बुलाई गई है तो वो रेस्क्यू टीम भी अपने प्रयासों में लगी है। रेस्क्यू टीम ने एक जाल बनाया है और इस जाल के अंदर जो है वो बंदरों के लिए भोजन की सामग्री रखी गई है और धीरे धीरे देखा जा रहा है कि बंदर जो हैं वो उसके आसपास मंडराने शुरू हो गए हैं। कुछ बंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जाल में जो है जाल गिरा दिया गया है और जाल के अंदर जो बंदर हैं वो फंसे हुए हैं और ज़्यादा पास हमें जाने के लिए रेस्क्यू टीम ने मना किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको पूरे दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो रेस्क्यू का प्रोसेस होता है वो किस तरीके से किया जाता है। जाल मंगाया गया है और जाल के अंदर ये जो बंदर अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाल कर जाल के अंदर रखा जाएगा। और पिंजरा चेंज करवा दो और इनको खाने को भी डालते रहना। चारा लेने जाएंगे। हाँ, खाना इनको केला डालते रहना। देखिए आज अग्रसेन स्कूल है दुर्गा नगर का, यहाँ पर बंदरों को पकड़ा जा रहा है और जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर जो समस्या बनी हुई है विभिन्न पार्टों के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक संख्या में बंदर उत्पात मचाते हैं, निवासियों को काफ़ी दिक्कत होती है आने जाने में, निकलने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, महिलाओं पुरुषों को दिक्कत होती है। तो इसको देखते हुए नगर निगम ने अपना काम शुरू कर दिया। हमारा जो ये काम कराया जा रहा है ये कोटेशन के आधार पर किया जा रहा है। कल ही हमें वन विभाग की परमिशन प्राप्त हुई है जिसके आधार पर आज हमने यहाँ पर बंदरों को पकड़ने का काम शुरू किया है। कल हम गुंजन कॉलोनी में सुबह 6 बजे से बंदरों को पकड़ने का कार्य शुरू कराएंगे और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि ये जो बंदर पकड़े जा रहे हैं पूरे दिन में जितने बंदर पकड़े जाएंगे उनको सिरसागंज में एक नियत स्थान है, जंगल है, खुला स्थान है, वहाँ पर इनको वन में छोड़ दिया जाएगा और वो वहाँ पर जीवन यापन करेंगे। नगर निगम की महापौर नूतन राठौर द्वारा बताया गया कि शहर में काफी संख्या में बंदर हैं, लेकिन जिन वार्डों में बंदरों की संख्या ज्यादा है उन वार्डों में रेस्क्यू टीम द्वारा बंदरों को रेस्क्यू कर सिरसागंज स्थित वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही हमने जब रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर राजीव कुमार से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। समथिंग हो, लेकिन अभी 200 बंदर पकड़ने का लक्ष्य दिया गया है जिसको हम पकड़ करके सिरसागंज रेंज की जंगल में सुरक्षित छोड़ेंगे यमुना किनारे, जिससे इनको पानी वगैरह सब सही तरीके से मिलता रहे और जो भी आगे और लक्ष्य आएंगे तो हम और भी उनको लेकर जाएंगे यहाँ। लगभग कितने समय के अंदर ये लक्ष्य आप पूरा करेंगे? अब जैसे हम देख रहे हैं तो इस हिसाब से लगता है 2 दिन में हो जाना चाहिए 200 बंदर का।
और इसके साथ ही हम अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहेंगे कि जब तक नगर निगम और रेस्क्यू टीम बंदरों को पकड़ नहीं लेती या उनकी तरफ से कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं होती, तब तक सावधान रहें और सतर्क रहें। आशा है आपको ये खबर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।